गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर बी। फाइंड वेदर द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 8। अब हमने कौन से नंबर निकालने हैं जो 8 से डिविजिबल होंगे, ठीक है। आज हम क्वेश्चन नंबर करेंगे बी, सी और डी। तो पहले हम करते हैं बी। अब जो ये क्वेश्चन है जो 8 से डिविजिबल होना है, उसमें ये बताया गया है कि आपने इस आपके पास जो गिवन नंबर होगा उसके लास्ट के 3 डिजिट लेने हैं, उस 3 डिजिट को आपने 8 से डिवाइड करना है। अगर लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो जाएंगे तो मतलब ये टर्म जो है वो 8 से डिविजिबल होगी, ठीक है। आपने सभी क्वेश्चंस को ऐसे ही करना है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1, 3641512, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके ये लास्ट के 3 डिजिट लेंगे, ठीक है, 512। और 512 को हम क्या करेंगे, 8 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। जब हम 512 को 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये डिवीज़न आएगी, ठीक है। हमने क्या किया, 8 6 48, और 51 में से 48 को माइनस किया तो हमारे पास आया 3 आया। ऊपर से हमने 2 उतार लिए, 32 बन गया। फिर हमने किया 8 4 32, और 32 में से 32 गया तो 0। मतलब कि अगर इसके लास्ट के 3 डिजिट हैं वो 8 से डिवाइड हैं, ठीक है, तो मतलब ये पूरा नंबर जो है वो 8 से डिविजिबल होगा। आप ऐसे लिखोगे, देयर फोर 3641512 इज़ डिविजिबल बाय 8, ठीक है। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो ये है 5673404। अब फिर हम इसमें क्या करेंगे, जो लास्ट के 3 डिजिट हैं वो हम लेंगे और उन 3 डिजिट को हम किससे करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया है, ठीक है। हम ऐसे लिखेंगे, सो 404 डिवाइडेड बाय 8। तो 404 को हम क्या करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे। जब हमने 404 को 8 से डिवाइड किया तो वो तो 8 5 सा, ये देखो ये आ गया 8 5 सा 40, ठीक है।